हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था. हमारा फोर्थ चैप्टर के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक बोला था मैंने आपको करने के लिए, तो आज हम 7th से आगे कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7th है, देखते हैं कैसे आपका मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे हैं हम लोग. तो 7th क्वेश्चन में पी ऑफ एन स्टेटमेंट दी हुई है आपको. ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अप टू में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू दिया हुआ है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है, इसे हमें प्रूव करना है. आपको पता है किस चीज़ का फॉर्मूला है? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है. तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, हमें पता है कि एन टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला बन जाता है. इसे हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है. तो उस प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट एन इक्वल टू वन, क्योंकि हमें सबसे पहले वन के लिए प्रूफ करना होता है. तो पी ऑफ वन, वन में यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगी इसकी, ए. ठीक है, और इसकी राइट हैंड साइड रखेंगे जब एन की जगह वन, वन बाय टू, टू ए प्लस में एन की जगह वन रखा तो वन माइनस वन इंटू डी, तो वन बाय टू टू ए, क्योंकि देखो वन में से वन गया जीरो, जीरो इंटू डी जीरो, तो टू ए मल्टीप्लाई, टू से टू गया तो क्या आ गया ए. अब ये आ गया आपका ए इक्वल टू ए. सो पी ऑफ वन इज टू, हमारा यहाँ पर पी ऑफ वन टू हो गया. अब पी ऑफ वन टू हो चुका है तो नेक्स्ट टर्म क्या करते हैं हम, लेट करते हैं कि एन इक्वल टू के, इज दैट पी ऑफ के इज ट्रू. ये हमने मान लिया कि जो हमारी स्टेटमेंट है पी ऑफ एन वो पी ऑफ के लिए भी ट्रू है. अब पी ऑफ के लिए अगर ट्रू है तो हम एन की जगह क्या रखेंगे, पी ऑफ के रख देंगे. तो पी ऑफ के क्या बनेगी आपकी, ए प्लस में ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अप टू में ए प्लस में के माइनस वन इंटू डी इक्वल टू के बाई टू, टू ए प्लस में एन की जगह बस आपको के रखना है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, देन वी टेक एन इक्वल टू के प्लस वन. नेक्स्ट स्टेप में हमें एन की जगह क्या रखना होता है, के प्लस वन, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अगर स्टेटमेंट हमारी पी ऑफ के लिए ट्रू है तो पी ऑफ के प्लस वन के लिए भी ट्रू होनी चाहिए. तो हम चेक करेंगे कि क्या ये के प्लस वन के लिए ट्रू है या नहीं है. तो एन स्क्वायर एन इक्वल टू रख लिया हमने के प्लस वन, तो पी ऑफ के प्लस वन क्या बनेगा, ये आपका ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अप टू में ए प्लस में के की जगह हमें के प्लस वन रखना है, तो के प्लस वन माइनस वन, क्योंकि ये माइनस तो अलग है. ठीक है, इक्वल टू के की जगह के, के तो के प्लस वन बाय टू, इन टू में टू ए प्लस में के प्लस वन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अगर यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो ये बन जाएगा आपका के प्लस वन बाय टू इंटू टू ए प्लस में के डी. ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई. अब हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो के प्लस वन है आपका उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. अब लेफ्ट हैंड साइड जो लोगे आप, हमें पता है कि ये के प्लस वन एथ टर्म तक है, और के प्लस वन एथ टर्म से जस्ट पहले के एथ टर्म आती है. के एथ टर्म ये है आपकी, तो पहले के एथ टर्म को लोगे फिर के प्लस वन एथ टर्म को लिखोगे. ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अप टू में ए प्लस में के माइनस वन इंटू डी, के एथ टर्म आ गई. नेक्स्ट क्या आएगी इसकी लास्ट टर्म, ए प्लस में के प्लस वन माइनस वन है तो ये कट जाएगा, तो ए प्लस के डी. ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है आपकी, के एथ टर्म है, पी ऑफ के है. देख सकते हो आप लोग पीछे कि ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस के माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या है, के बाई टू इंटू टू प्लस के, टू ए प्लस में के माइनस वन इंटू डी. मतलब इस वैल्यू की जो ये पार्ट है इसकी वैल्यू ये है, तो हम इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं. तो क्या रखोगे यहाँ पे, के बाई टू इंटू में टू ए प्लस में के माइनस वन इंटू डी प्लस में जो बाकी बचा हमारे पास ए इंटू के डी.
सॉरी ए प्लस के डी। अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, टू से टू कट गया, ए के के बाई टू किस से करोगे तो के स्क्वायर बाई टू, और डी से होगी तो के स्क्वायर डी बाय टू, माइनस में के डी बाई टू प्लस ए प्लस के डी। इस ए के और ए इन दोनों में ए कॉमन है तो दोनों को इकट्ठा रख लो, ए के प्लस ए प्लस में के स्क्वायर डी बाई टू। अब देखो माइनस का के डी बाई टू प्लस का के डी, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ट्वाइस ऑफ के डी में से एक के डी जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का के डी बाय टू, क्योंकि ये कंप्लीट है, ये हाफ है। अब वन में से अगर हाफ माइनस करते हैं तो हाफ बचता है, लेकिन जो वन का साइन है वही उसके साथ लगता है, ये प्लस का है तो प्लस का लगेगा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ से ए कॉमन लोगे क्या बचेगा, के प्लस वन, यहाँ से क्या लोगे के डी बाय टू कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, अब एक के एक डी एक टू आ गया तो के बच गया, के प्लस वन। अब दोनों से के प्लस वन कॉमन लोगे आप, ठीक है। जब हमने के प्लस वन कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास, ए प्लस के डी बाय टू, इसका एलसीएम लोगे और टू को जब बाहर निकालोगे तो के प्लस वन बाय टू इंटू में टू ए प्लस में के डी, विच इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड आप लोग देख सकते हो, पीछे इसकी राइट हैंड साइड है, ये रही, ये थी के प्लस वन बाई टू इंटू टू ए प्लस में के डी। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने किसके इक्वल कर दिया यहाँ पे, राइट हैंड साइड के। सो बाय मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ऑलवेज ट्रू व्हेन पी ऑफ के इज ट्रू। अगर पी ऑफ के ट्रू होता है तभी आपका पी ऑफ के प्लस वन भी क्या होगा, ट्रू। क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ हमने अभी किया है। एट्थ क्वेश्चन में क्या है स्टेटमेंट देखो, पी ऑफ एन दे दिया वन बाय में, ये आपका 1.3 नहीं है, ये डेसिमल नहीं है, ये इंटू है, ये आपका 1 × 3 1/3 × 5 1/5 × 7। पता कैसे लगेगा, इस टर्म को देखो, लास्ट टर्म nth टर्म क्या दे रखी है इसकी, 2n-1 इंटू में 2n+1। अब इन दोनों के बीच में कोई डेसिमल तो है नहीं, किसका साइन मिलेगा आपको, इंटू का ही साइन मिलेगा, तो ये किसका साइन है सबके बीच में, इंटू का, इक्वल टू राइट हैंड साइड है इसकी n बाय में 2n+1, ठीक है। तो p ऑफ n ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो सबसे पहले p ऑफ 1 के लिए करेंगे, तो 1 में फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, 1/1 × 3, राइट हैंड साइड पे जब पुट करोगे तो 1/2 × 1 2 2+1 कितना आ गया 3, इधर भी क्या है 1/3 और इधर भी 1/3, सो पी ऑफ वन इज ट्रू। तो पी ऑफ वन तो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पी ऑफ वन ट्रू करने के बाद हमारे नेक्स्ट में क्या लेना होता है हमें, हम लेते हैं कि लेट पी ऑफ के इज ट्रू, इज दैट एन इक्वल टू क्या रखते हैं हम, के रखते हैं, तो p ऑफ k क्या बनेगा आपका, p ऑफ k बनेगा 1/3 3 × 5 5 × 7 up to 1/n की जगह बस आपको k रखना है, तो ये क्या बन जाएगा 2k-1 2k+1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में k बाय में 2k+1, ठीक है। देन टेक एन इक्वल टू के प्लस वन, मतलब पी ऑफ के प्लस वन निकाल लेंगे अब, तो 1/3 3 × 5 5 × 7 अप टू में 1/2। अब देखो 2k-1 2k+1 है, जब यहाँ पे k की जगह k प्लस वन रखोगे तो उसको अलग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 2k-1 है, जब मैंने k की जगह क्या रखा k प्लस वन, तो 2 से मल्टीप्लाई जाएगा माइनस वन, क्या बनेगा ये 2k+2-1, तो 2k+1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 2k+1 है इसको देखते हैं, तो 2k+1+1 तो 2k+2+1 तो 2k+3 आ गए दोनों वैल्यूज़, तो ये क्या बन जाएंगे आपके 2k+1 और 2k+3। वैसे यहाँ ये क्या बन जाएगा k+1/2k+3। अब हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड
साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, वन बाय वन इंटू थ्री, थ्री इंटू फाइव, प्लस में वन बाय फाइव इंटू सेवन, अप टू में वन बाय, अब kth टर्म, kth टर्म ये है आपकी 2k माइनस वन, 2k प्लस वन, प्लस में अब k प्लस वन एथ टर्म, 2k प्लस वन, 2k प्लस थ्री, ठीक है। k प्लस वन एथ टर्म से जस्ट ये जो पहले बीच में डैश डैश लगा हुआ ना, इसमें kth टर्म भी है, उसको हमने साथ में इंक्लूड कर लिया, बस यहाँ पे हो गया। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है ये किसकी वैल्यू है, p ऑफ k की है, और p ऑफ k की वैल्यू क्या है आपकी, k बाय में 2k प्लस वन। दूसरा पार्ट है इसका आगे का 2k प्लस वन, 2k प्लस थ्री, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे 2k प्लस वन, 2k प्लस थ्री, यही आएगा एलसीएम। तो ऊपर तो क्या जाएगा, k इंटू 2k प्लस थ्री, तो क्या बनेगा 2k स्क्वायर प्लस में 3k, यहाँ प्लस का 1। अब इसके फैक्टर बनाने हैं हमें, फैक्टर कैसे, फैक्टर थ्योरम कर चुके हो आप, सॉरी फैक्टर थ्योरम बोल रही हूँ मैं अभी, जो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालते हैं, तो कैसे करते थे फैक्टर, 2 वन जा 2, तो 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1, 2k कॉमन तो k प्लस वन, प्लस का वन कॉमन तो k प्लस वन, तो 2k प्लस वन, k प्लस वन, ये फैक्टर आ गए। तो कर दो इसके फैक्टर्स, क्या आएंगे 2k प्लस वन और k प्लस वन, नीचे एज इट इज 2k प्लस वन, 2k प्लस थ्री, इससे ये कैंसिल आउट क्या आ गया है आपके पास, k प्लस वन बाय में 2k प्लस थ्री, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, कर सकते हैं। तो ये भी हमने क्या कर दिया, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो गया कि सॉफ्ट पी ऑफ के प्लस वन इज़ ट्रू व्हेन पी ऑफ के इज ट्रू, कर लेंगे सभी। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है हमारा, और सॉरी 9th क्वेश्चन है, 1 into 2 स्क्वायर प्लस में 3 into 2 क्यूब, तो इसी तरह से है, पी ऑफ एन रखोगे इसको, ये डेसिमल नहीं है, ये इंटू का साइन है, ठीक है, और इसी तरह से सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट है आपका एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री, ये प्रूव करना है हमें। तो देखो इसमें पी ऑफ एन क्या दे दिया, एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पी ऑफ वन के लिए, तो वन का क्यूब वन, अब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ यही एक सिंगल टर्म है, नहीं, ये पूरी ही एक टर्म का काम करेगी, जब इसमें एन इक्वल टू वन रखेंगे तो ये पहली टर्म बनेगी जो डिविजिबल बाय क्या होगी, थ्री होगी। तो वन का क्यूब वन, वन का स्क्वायर वन, थ्री इंटू वन थ्री, फाइव इंटू वन फाइव, प्लस थ्री कितना हो गया फोर, नाइन और थ्री ट्वेल्व, तो ट्वेल्व क्या होता है इज डिविजिबल बाय थ्री, सो पी ऑफ वन इज ट्रू, हो गया। अब देखते हैं हम, लेट पी ऑफ के इज ट्रू इज दैट एन इक्वल टू क्या रखोगे, के रखोगे, एन इक्वल टू के रखना है, तो वहाँ पे पी ऑफ के क्या बनेगा आपका, के क्यूब प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस थ्री, अब ये ट्रू है तो क्या आएगा, इज डिविजिबल बाय थ्री, क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया। अब पी ऑफ के तो हमने मान रखा है कि ट्रू है, तो हम इस के क्यूब प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस थ्री को, अगर ये थ्री से डिविजिबल है तो इसको क्या रख सकते हैं, थ्री एम के इक्वल रख सकते हैं, तो इक्वल टू क्या ले लोगे यहाँ पे 3m, नाउ टेक n इक्वल टू k प्लस वन, सो p ऑफ k प्लस वन क्या बनेगा आपका, k प्लस वन का क्यूब प्लस में 3 इंटू k प्लस वन का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू k प्लस वन
प्लस थ्री, यहाँ नहीं लिखना आपको कि डिविजिबल बाय थ्री, यहाँ तो हम प्रूव करेंगे इसको कि थ्री से डिविजिबल है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूलास खोलने हैं, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, लगा दो फिर, ए प्लस बी का क्यूब के क्यूब प्लस वन प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के, थ्री इंटू के प्लस वन का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के प्लस फाइव के प्लस फाइव प्लस थ्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में के क्यूब प्लस वन प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के, अब इसकी थ्री से इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स के। ठीक है, प्लस में फाइव के प्लस फाइव थ्री एट, हो गया ये, यहाँ तक हो चुका है। अब करना क्या है, हमें देखना है कि जो पार्ट हमारा थ्री से डिविजिबल था, ये पार्ट था थ्री से डिविजिबल, इसको अलग निकाल लो इसमें से। तो हमने पहले क्या निकाला, के क्यूब प्लस में थ्री के स्क्वायर प्लस में फाइव के और प्लस में थ्री, निकल गया। बाकी क्या बचा, थ्री के स्क्वायर, ध्यान से लिखना है। ठीक है, सिक्स के थ्री के कितना बन गया, नाइन के, और एट और वन कितना बच गया, नाइन, सारी चीज़ें आ गई। अब करोगे क्या, हमें पता है कि पी ऑफ के ट्रू है, इसीलिए ये इक्वल टू क्या है, थ्री एम के है, तो इसकी जगह तो क्या रखोगे, थ्री एम प्लस में यहाँ से क्या करोगे, थ्री कॉमन के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस थ्री, ये आ गया। अब हम पूरी से क्या निकाल सकते हैं, थ्री निकालेंगे तो एम प्लस के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस थ्री इज दैट इज डिविजिबल बाय थ्री, ये क्या आ गया, थ्री से डिविजिबल आ गया। कर सकते हैं सभी, यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। इलेवेंथ क्वेश्चन है, टू की पावर थ्री एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय सेवन, पी ऑफ एन क्या दिया है यहाँ पे, टू की पावर थ्री एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय सेवन। ठीक है, तो पहले हम पी ऑफ वन के लिए चेक करते हैं, तो टू की पावर थ्री माइनस वन कितना बनेगा, टू की पावर थ्री, एट माइनस वन इक्वल टू सेवन, सेवन इज डिविजिबल बाय क्या होता है आपका, सेवन होता है। फिर हम क्या लेंगे, सो पी ऑफ वन इज ट्रू, अब पी ऑफ वन तो हमने ट्रू कर दिया, अब हम लेट करते हैं कि पी ऑफ के इज ट्रू, सो पी ऑफ के क्या आएगा, टू की पावर थ्री के माइनस वन इज डिविजिबल बाय सेवन। अब अगर ये सेवन से डिविजिबल है तो ये इक्वल टू क्या आएगा, सेवन एम, तो टू की पावर थ्री के इक्वल टू क्या आएगा, सेवन एम प्लस वन, टू की पावर थ्री के आ गया सेवन एम प्लस वन। अब हमें देखना है, नाउ टेक एन इक्वल टू के प्लस वन, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, पी ऑफ के प्लस वन, पी ऑफ के प्लस वन बनेगा आपका टू की पावर थ्री इंटू के प्लस वन माइनस वन। ठीक है, तो ये जाएगा आपका टू की पावर थ्री के प्लस थ्री माइनस वन। अब यहाँ पे इनको अलग अलग स्प्लिट कर लोगे, थ्री के, टू की पावर थ्री के इंटू टू की पावर थ्री, देखो हमें पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर यहाँ पावर ऐड थी तो हमने उनको बेस में अलग अलग कर दिया। ठीक है, माइनस वन, अब जो टू की पावर थ्री के है, इस टू की पावर थ्री के की जगह हम सेवन एम प्लस वन यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, तो इसकी जगह क्या रखोगे, सेवन एम प्लस वन इंटू में टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री क्या होता है, एट माइनस वन, यहाँ से आगे यहाँ हो रहा है, तो एट इंटू सेवन एम प्लस में एट और माइनस का वन, तो एट इंटू सेवन एम प्लस सेवन, अगर सेवन कॉमन निकाला तो एट एम प्लस वन, तो क्या लिख सकते हैं, सेवन इसका फैक्टर हो गया, मतलब इज डिविजिबल बाय सेवन। तो हमने क्या शो कर दिया कि जो हमारी स्टेटमेंट है पी ऑफ एन, टू की पावर थ्री एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय सेवन फॉर एवरी एन। क्लियर है यहाँ तक सबको। जो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन हैं, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तक,
वो सभी क्या है, इसी पैटर्न से है। क्वेश्चन आगे भी इसी पैटर्न से है, लेकिन आप लोगों को 14 तक करने हैं, ठीक है, 13 या 14 तक करने हैं आपको सॉल्व। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, थैंक यू।